तो आज WWE का बैश इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट हो चुका है, और ये बात क्या आपको पता है कि फिर से WWE ने अपना इंटरनेशनल इवेंट करने के बाद जो बैश इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको भी हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट में से एक बना दिया है। तो WWE भाई इस टाइम पर फायर पर है, जिस तरीके से ट्रिपल एच ने भी बोला है। तो आने वाले टाइम के अंदर WWE के जितने भी हमें ऐसे इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं वो भाई हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट्स ही देखने को मिलने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर, और आज दोस्तों ये चैनल के ऊपर तीसरी वीडियो अपलोड हो रही है। भाई इसके लिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर बनता ही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों बैश इन बर्लिन के बाद हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों अगर आप सभी बैश इन बर्लिन के मैचेस के बारे में जानना चाहते हो, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिले, यानी कि पूरा रिव्यू अगर आपको जानना है, तो दोस्तों उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां पर डायरेक्टली आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम बात करते हैं गुंथर के बारे में, जहां पर दोस्तों गुंथर ने रैंडी ऑर्टन के साथ मैच रेसल करने के बाद हैंडशेक तो किया ही, लेकिन गुंथर का हमें इंटरव्यू भी देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों गुंथर ने वहां पर क्राउड के साथ जो उनकी अटैचमेंट है उसको शेयर किया। अपनी ही भाषा में गुंथर ने वहां पर कुछ वर्ड्स को बोला, और इसके बाद गुंथर को वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। इसी के साथ साथ दोस्तों गुंथर का हमें पोस्ट शो के ऊपर भी इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर भाई गुंथर ने इस चीज को क्लियर किया कि जो क्राउड थी, जो बैश इन बर्लिन का क्राउड था, वो भाई काफी ज्यादा लाउड था। रैंडी ऑर्टन को भी मैंने ये बात बोली थी कि मुझे इसकी आदत है, और इस चीज को दोस्तों गुंथर ने क्लियर किया कि जो जर्मनी का उनका होम टाउन का क्राउड था वो भाई काफी ज्यादा लाउड हमें देखने को मिला था। इसी के साथ साथ दोस्तों रिक फ्लेयर ने भी गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बारे में अपना रिएक्शन दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं रिक फ्लेयर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और गुंथर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते हैं, रैंडी ऑर्टन काफी महान व्यक्ति है, गुंथर भी काफी महान व्यक्ति है, लेकिन जो गुंथर और रैंडी ऑर्टन का लेवल है उसमें फर्क है। इस चीज को यहाँ पर रिक फ्लेयर ने बताया, और यहाँ पर क्लियर जो रिक फ्लेयर है उन्होंने रैंडी ऑर्टन का पक्ष रखा कि भाई रैंडी ऑर्टन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गुंथर को रैंडी ऑर्टन जैसा बनने में अभी काफी समय लगने वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कोडी रोड्स और रैंडी ओटन के बारे में, जहां पर दोस्तों कोडी रोड्स से उनके पोस्ट इंटरव्यू के अंदर काफी सारे सवाल पूछे गए। केविन ओन्स के बारे में भी यहां पर कोडी रोड्स ने बातें रखी, और इसी के साथ साथ दोस्तों जो नेटफ्लिक्स के ऊपर विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है उसके बारे में भी कोडी रोड्स के सामने यहां पर क्वेश्चन रखा गया। तो यहां पर दोस्तों कोडी रोड्स ने क्लियर कर दिया कि WWE की इसमें नो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ये WWE की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है। तो इस तरीके से कोडी रोड्स का जो आंसर था वो हमें इस इंटरव्यू के अंदर देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ यहां पर कोडी रोड्स से रैंडी ओटन के मैच के बारे में पूछा जाता है, तो यहां पर रैंडी ओटन के बारे में कोडी रोड्स ने बात बोली कि ये मैच हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नो प्लान्स ऑन पेपर्स अबाउट दिस मैच, ऐसा दोस्तों कोडी रोड्स ने बोला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैच शायद अब हमें काफ़ी जल्द ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई रैंडी ओटन लगातार काफ़ी सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर हारते आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि भाई रैंडी ओटन को अगर फिर से एक स्ट्रॉन्ग वाइपर की तरह WWE को दिखाना है तो उनका हील टर्न ही वो वर्जन हो सकता है, जो कि फैंस के बीच में फिर से रैंडी ओटन का जो वो हील वाला गिमिक है वो भाई उसको बरकरार रखेगा। और इसके बाद कोडी रोड्स और रैंडी ओटन की जो फ्यूड होने वाली है वो भाई स्मैकडाउन के ऊपर काफ़ी फायर तरीके से हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे रूल के बारे में जो कि रिया रिपली ने आज बैश इन बर्लिन के अंदर तोड़ा है। तो दोस्तों रूल कुछ ऐसा होता है मिक्स्ड टैग टीम मैच के अंदर कि जो फीमेल सुपरस्टार है वो फीमेल सुपरस्टार के ऊपर ही अटैक करेगी, और जो मेल सुपरस्टार है वो मेल सुपरस्टार के ऊपर ही अटैक करेगा, लेकिन भाई रिया रिपली ने एक फीमेल सुपरस्टार होते हुए डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर अटैक किया, और इस रूल को दोस्तों आज उन्होंने मिक्स्ड मैच टैग टीम मैच के अंदर ब्रेक कर दिया। और जब दोस्तों रिया रिपली डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर अपने हाथ साफ कर रही थी, तो भाई उस टाइम पर बैश इन बर्लिन का जो क्राउड है उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लाउड रिएक्शन हमें देखने को मिला था। WWE ने पूरा उस चीज़ को मेंशन भी किया है, और इस तरीके से अब जो इनकी फ्यूड है ये हमें और भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाली है। और मुझे लग रहा है कि भाई जब डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर रिया रिपली अपना रिप टाइड फिनिशर लगाएंगी तो उस टाइम पर तो USA की क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा लाउड रिएक्शन देने वाली है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर CM Punk के
फ्यूचर से जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों सीएम पंक से उनके इंटरव्यू के अंदर जब उनके ब्रेसलेट के बारे में पूछा जाता है तो सीएम पंक बताते हैं कि मैं काफी खुश हूं कि मेरा जो ब्रेसलेट है ये मेरे पास आ चुका है, ये सेफ हैंड में है और अब मैं इस ब्रेसलेट को अपने घर पर लेकर जाने वाला हूं। मैं अपनी लैरी और साथ ही साथ अपनी वाइफ को भी इस चीज को दिखाने वाला हूं। तो सीएम पंक काफी ज्यादा खुश हैं ब्रेसलेट को लेने के बाद। और इसी के साथ साथ सीएम पंक ने यहां पर एक बड़ी चीज क्लियर ये करी है कि जो मंडे नाइट रॉ का आने वाला एपिसोड है उसके लिए सीएम पंक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि यहां पर सीएम पंक अपने फ्यूचर को एड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के साथ उनकी जो फ्यूड है ये सीएम पंक के अकॉर्डिंग फिनिश हो चुकी है और ड्रू मैकइंटायर से अब सीएम पंक आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका जो नेक्स्ट गोल है वो होने वाला है गोल्ड, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमें सीएम पंक आगे लीड करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक की जो फ्यूड है वो स्टिल हमें देखने को मिलने वाली है और जो ब्रेसलेट है ये हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर के पास फिर से हमें देखने को मिल जाए। तो सीएम पंक के अकॉर्डिंग तो ड्रू मैकइंटायर के साथ उनका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है और अब उनका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो गुंथर के साथ होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप तक आते आते सीएम पंक की रास्तों पर हमें ड्रू मैकइंटायर फिर से देखने को मिलने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों रिव्यू वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।